अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। तो इसी असना में हम आज दूसरी क्लास के साथ मौजूद हैं और आज की दूसरी क्लास जो है वो मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास होगी। मैथमेटिक्स की पहली क्लास में मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोगों ने सेट का चैप्टर शुरू किया था MCQs के लिए और इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर कर लिया था। आज दूसरा टॉपिक हमारे पास मौजूद है, ठीक है। दूसरा टॉपिक का नाम है डोमेन और रेंज। तो क्या होता है डोमेन और क्या होता है रेंज? डोमेन क्या होता है? आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप अपनी वैल्यू को स्टार्ट कर रहे होते हैं, यानी आपकी कम से कम वैल्यू। और रेंज आपका क्या होता है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट, जहाँ तक आप मैक्सिमम अपनी वैल्यू को ले जा सकते हैं, आपकी लिमिट होती है, ठीक है। अब हम MCQs में देख लेते हैं कि हमारे पास MCQs में किस तरह से MCQs होगा। इफ अ रिलेशन इज गिवन बाय 0 1 2 3 5 6, आपको रिलेशन दिया गया है 2 1 0 1 2 3 5 6, तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा? हमें कैसा पता चलेगा कि डोमेन क्या होता है और क्या रेंज होता है? तो मैंने जैसे कि अभी बताया, डोमेन क्या होगा? आपकी मिनिमम वैल्यू। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे पहले सेट में, सेट तो एक ही है, पहले सेट के एलिमेंट में पहला जो एलिमेंट है 0 1, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। हम डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं तो डोमेन में क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो डोमेन की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखें तो 2 और 3 है, 2 और 3 में से मिनिमम वैल्यू 2, तो 2 आ गया। इसी तरह 5 6 में से मिनिमम वैल्यू 5, तो 5 हो गया। ये आपका डोमेन हो गया 0 2 5। इसी तरह रेंज, रेंज क्या होगा भाई? मैक्सिमम वैल्यू, तो दोबारा से सेट देख लेते हैं, 0 और 1, तो 0 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1, तो 1 आ गया। 2 3 में से 3 3 आ गया, और 5 6 में से मैक्सिमम वैल्यू 6, तो 6 आ गया। ये आपका डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। इसी तरह अगर हम वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है, इफ़ अ रिलेशन इज गिवन बाय 1 0 3 2 6 5, यहाँ पर मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया गया, 1 को पहले लिखा है, 0 को बाद में, और 3 को पहले, 2 को बाद में, 6 को पहले और 5 को बाद में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं और रेंज दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। डोमेन क्या? मिनिमम वैल्यू। आप 1 और 0 में से ये नहीं देखें कि पहले कौन सी वैल्यू, ये देखें कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। कौन सी है भाई? 0 है, तो 0 हो गया। फिर 3 2 में से 2 मिनिमम वैल्यू, 2 मिनिमम वैल्यू है, 2 हो गया। और 6 और 5 में से 5 मिनिमम वैल्यू है, तो 5 हो गया। ये आपका डोमेन हो गया। इसी तरह रेंज आप कैलकुलेट करते हैं, 1 और 0 मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, 1, तो 1 आ गया। 3 2 में से मैक्सिमम वैल्यू 3 3 आ गया। 6 5 में से मैक्सिमम वैल्यू 6, तो 6 आ गया। तो इस तरह से हम अपना डोमेन और रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसी तरह आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करें, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ को आगे पीछे चेंज करें और ख़ुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई, और जिसको नहीं समझ में आए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। शुक्रिया।